न्यू ऑर्डोस को चीन ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मॉडर्न घोस्ट सिटी कहा जाता है। 10 लाख लोगों के लिए बनाए गए इस शहर में इसकी क्षमता के 2% लोग भी नहीं रहते हैं। सड़कें वीरान हैं, बड़े बड़े भवन खाली पड़े हैं, उनमें टूट फूट हो रही है। बहुत सारे निर्माण कार्य आधे रास्ते में ही रुक गए हैं और कुल मिलाकर यह आधुनिक भुतहा शहर की तरह नजर आता है। न्यू ऑर्डोस मेट्रोपोलिस शहर चीन के उत्तर क्षेत्र में ओर्डोस रेगिस्तान के पास है। इसे कांगबाशी भी कहा जाता है। यह इनर मंगोलिया रीजन के अंतर्गत आता है। यह वही क्षेत्र है जहां चंगेज खान का जन्म हुआ था। यहां 17% आबादी मंगोल लोगों की है, जबकि बाकी हान मूल चीनी हैं। न्यू ऑर्डोस शहर के डेवलपमेंट के लिए चीनी सरकार ने $1 अरब 6,412 करोड़ रुपए भी दिए थे। उसे शहर के तीव्र विकास की उम्मीद थी। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो आर्किटेक्चर की उम्दा मिसाल हैं। लेकिन आसमानी उम्मीदों का यह बुलबुला फूट गया। बहुत से निर्माण कार्य डेडलाइन में पूरे नहीं हो पाए, लोन्स का भुगतान ही नहीं हो सका। इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट पूरे होने से पहले ही हाथ खींच लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि जगह जगह अधूरी इमारतों की भरमार हो गई। दूसरी तरफ मकानों की कीमतें इतनी ऊंची रख दी गई कि जो लोग यहाँ रहना भी चाहते थे वे पीछे हट गए। इसके चलते पूरे हो चुके अपार्टमेंट्स का बिकना भी मुश्किल हो गया। इस शहर को 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ 20,000 के करीब लोग रह रहे हैं। यह स्थिति भी तब है जब पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी की कीमतें 1/3 रह गई है। फ्रेंच फोटोग्राफर राफेलो लियोवीर ने न्यू ऑर्डोस शहर का दौरा किया और यहां सड़कों तथा विभिन्न इमारतों की तस्वीरें खींची। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डॉलर फेल यूटोपिया नाम दिया है।